आज मैंने एक ऐसी मूवी देखी ना जिसे मैं रिलीज से पहले ही देख चुकी थी। ट्रेलर में सिंघम अगेन, जिसकी रिलीज से पहले इतनी हाइप बनी हुई थी और इतने ही झगड़े चल रहे थे, टी सीरीज वर्सेस जियो स्टूडियोज, कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है? जिन्हें नहीं पता, सिंघम का जो पहला पार्ट था उसका जो म्यूजिक था वो टी सीरीज की तरफ से था, और अब जो आया है वो सारेगामा का म्यूजिक है। तो उस वजह से टी सीरीज ने सिंघम अगेन के टाइटल ट्रैक पे कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना टाइटल ट्रैक टेक डाउन करना पड़ा यूट्यूब से, एंड द क्लैश कंटिन्यूज। इसके अलावा भी एक और क्लैश चल रहा है, सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। दोनों पिक्चर की हाइप बहुत है, दोनों ही फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट है, एंड ऑडियंस वैसे ही हाइप चल रही है क्योंकि एक तो दिवाली की छुट्टियां, ऊपर से लॉन्ग वीकेंड। तो ट्रेलर में हमें ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर तो देखने के लिए मिल गई थी, हमें स्टोरी भी पता थी, कौन कौन आने वाला है ये भी पता था, एंड इसीलिए 2.5 घंटे की पिक्चर में मुझे एक भी ऐसा मोमेंट नहीं मिला जो मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। एंड और ज्यादा प्रिडिक्टेबल इसलिए भी क्योंकि इसमें भी रामायण का रेफरेंस यूज हुआ है, तो पूरी जो रामायण की स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स हैं, उसी का ही पैरेलल सिंघम अगेन में भी यूज किया गया, अपने वही एज ओल्ड प्लॉट के साथ, जहाँ पे एक तरफ सिंघम है, दूसरी तरफ विलन है और एक हीरोइन है जिसको किडनैप कर लिया जाएगा। देखा देखा सा नहीं लग रहा है ये प्लॉट कुछ? और जो भी लोग सिंघम के कैरेक्टर से फेमिलियर नहीं है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट आया था तो वहां पे ये कैरेक्टर पूरा सेटअप हुआ था, एंड ऑफ कोर्स बाजीराव सिंघम का कैरेक्टर जब हमें फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला था ऑन स्क्रीन, तो भाई वो था जबरदस्त था। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आया जिसमें इन्होंने कैरेक्टर्स भी रिपीट कर लिए, पूरा यूनिवर्स बनाने की भी तैयारी कर ली, एंड धीरे धीरे पहले मूवीज बनी और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्स बनाने की सोची। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पार्ट नहीं देख रखा वो देखना जरूरी हो जाता है, तभी आपको थर्ड पार्ट की स्टोरी कैरेक्टर समझ में आएंगे। फर्स्ट पार्ट से सिर्फ आपको जो सिंघम का कैरेक्टर, उसकी जो वाइब है, उसका जो पूरा ऑरा है, वो थोड़ा समझ में आता है। तो मेरा मूवी को लेके ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव बन चुका था, ए इसके ट्रेलर की वजह से, दूसरा रोहित शेट्टी की मूवी है और जो भी ट्रेलर में देखने के लिए मिला था उससे समझ में आ रहा था कि हाँ क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से। लेकिन एक चीज के लिए तो हैट्स ऑफ है, इतने सारे एक्टर्स को एक मूवी में लेके आना और हर एक एक्टर को एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना, एक सेटअप देना, तो वो चीज तो रोहित शेट्टी ने अच्छे से करी है। लेकिन फर्स्ट हाफ इसी चीज की वजह से लेंदी भी होता है और ऐसा भी लगता है कि अभी नींद आ जाएगी, क्योंकि इतना टाइम लेती है पिक्चर फर्स्ट हाफ में अपने आप को सेटअप करने में, स्टोरी सेटअप करने में, कैरेक्टर सेटअप करने में, कि आपको ये लगने लगता है कि इतने सारे अननेसेसरी सीन्स की शायद नीड भी नहीं थी। इवन अगर कैमियोस को थोड़ा सा छुपा के रखा जाता तो शायद उसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट या कुछ वाओ मोमेंट्स भी देखने के लिए मिलते, तो ये भी लगता कि हाँ अब इनकी एंट्री है ना तो अब तो जरूर कुछ कमाल होगा। और फर्स्ट हाफ में आपको कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिलता अपार्ट फ्रॉम द स्केल, आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो रोहित शेट्टी की मूवीज में होता है, जो सिंघम फ्रेंचाइजी का अपना एक फ्लेवर है वो भी आपको फील होगा, बस स्केल इस बार ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। और डिफरेंट अगर कुछ लगता है तो वो लगता है अर्जुन कपूर की एंट्री, और लिटरली उन्हें ट्रेलर में देख के मुझे लगा था कि हाँ इस बार तो उन्होंने कुछ कमाल ही कर दिया है, लेकिन वो बहुत जल्द इस उम्मीद पे पानी फेर देते हैं, क्योंकि जब तक वो चुप है तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब एक इंटेंस लुक आता है कि हाँ ये एक विलेन है जिससे ये पूरी फोर्स लड़ने वाली है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है ना, उस पे उन्हें बहुत काम करने की जरूरत है। एंड सेम गोज विद टाइगर श्रॉफ एंड सैडली दीपिका पादुकोण इन दिस मूवी। मतलब पहले तो मुझे ये समझ भी नहीं आया कि आप एक मूवी में जैकी श्रॉफ एंड टाइगर श्रॉफ को ले रहे हो, उनको अनरिलेटेड दिखा रहे हो, अर्जुन कपूर को आप रिलेटेड दिखा रहे हो जैकी श्रॉफ से, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ दीपिका का रोल एक तो पहले ही छोटा, और उसमें भी उन्होंने जो क्रिंज मचाया है ना, मतलब रणवीर सिंह क्रिंज करते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन दीपिका ना। इवन जो पैरल्स उन्होंने रामायण से ड्रॉ किए हैं, तो उसमें भी मुझे लेडी सिंघम का ना तो कोई रोल दिखा और ना ही वो वाइब दिखी कि हाँ अगर लेडी सिंघम को इंक्लूड किया गया तो भाई कुछ स्वैग होना चाहिए था उस कैरेक्टर में। स्वैग तो नहीं था, बट क्रिंज भर भर के था। तो सुबह सुबह के शो में फर्स्ट हाफ तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया, लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे जेन्युइनली कोई चीज अगर अच्छी लगी तो वो थी रणवीर सिंह की एंट्री। इवन उनकी कॉमिक टाइमिंग, वो जिस भी सीन में आ रहे थे ना वही सीन एलिवेट होके आ रहा था, एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग भाई बैठती है, वो जब भी स्क्रीन पे आए मुझे तो मजा आया, एंड आई थिंक
आपको भी उनका कैरेक्टर इंजॉयबल लग सकता है एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट कैमियो था अक्षय कुमार का, लेकिन उनका कैमियो भी मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, ना ही ऐसा लगा कि हाँ उनके कैमियो से कुछ एडिशन हुई मूवी के अंदर, तो वो भी कुछ ऐसा खास नहीं था। इवन जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो ऐसे थे जो पहले से देख रखे थे, जो उन्होंने गाड़ियों के साथ किया है वो भी ऐसा था जो पहले से देखा दिखाया था, तो कुछ नया यूनिक डिफरेंट वो मुझे देखने के लिए नहीं मिला। इवन करीना का कैरेक्टर भी मूवी में कुछ सब्सटेंशियली ऐड नहीं करता, और वो मुझे देख के ना उल्टा दुखी हुआ कि उनके कैरेक्टर को अच्छे से यूज ही नहीं किया मूवी में। इवन अजय देवगन का परफॉर्मेंस एज सिंघम, मतलब वाइब है, ऑरा है, यूनिफॉर्म में अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कुछ नया ऐड नहीं करते, वही है जो पहले से था, तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू उनकी प्रीवियस सिंघम मूवीज, मुझे यहाँ पे थोड़ा कम लगा। एक अच्छी चीज है पिक्चर में अननेसेसरी गाने नहीं है, लेकिन अननेसेसरी बैकग्राउंड स्कोर और स्लो मोज हैं, वो थोड़े कम हो सकते थे, पिक्चर भी थोड़ी सी छोटी हो सकती थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। ट्रेलर में जो दिखाया था वही तो था पिक्चर में, उसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते, 2.5 घंटे की पिक्चर बनाने की क्या नीड थी। और पता नहीं ये क्या ट्रेंड चल गया है कि हर चीज में ना आप कुछ माइथोलॉजिकल डाल दो, या तो रामायण डाल दो, नहीं तो महाभारत डाल दो, नहीं तो कुछ भी माइथोलॉजिकल रेफरेंस उठा के डाल दो, तो आपकी पिक्चर चलेगी। देखो अगर आप कुछ माइथोलॉजिकल डाल भी रहे हो तो उसमें एटलीस्ट कुछ इमोशन तो ऐड होना चाहिए ना, आप सिर्फ एक पैरेलल दिखा रहे हो लेकिन उसमें कोई भी कनेक्शन या कोई भी ऐसा इमोशन मुझे फील नहीं हुआ कि हाँ मैं कनेक्ट हो पाती उस स्टोरी से या फिर कैरेक्टर से या फिर उनकी रामायण की इंस्पिरेशन से। और मुझे सेंसर बोर्ड का भी समझ में नहीं आता, जिन मूवीज में इन्हें पहले से मॉडिफाई करना चाहिए या चेंजेस करने चाहिए, कट लगाने चाहिए, वहां तो ये लोग कुछ करते नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 7 मिनट के चेंजेस करे हैं, खैर उन 7 मिनट से शायद ही पिक्चर में कुछ चेंज आता, कर दिए लेकिन पता नहीं CBFC या सेंसर बोर्ड का मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। और जो भी पिक्चर के अंदर चेंजेस हुए हैं वो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। और हाँ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैमियो जिसकी वजह से इस पिक्चर की हाइप बहुत ज्यादा ही थी, सलमान खान का कैमियो। मतलब वो पिक्चर में है भी या नहीं तुम खुद ही पता कर लो, बस इतना ही कहूंगी कि एक मिड क्रेडिट सीन है, बाकी तुम इनमें से किसी के भी फैन हो बहुत बड़े वाले या फिर इस फ्रेंचाइजी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो और मिस नहीं करना चाहते तो तुम्हारे लिए मूवी थिएटर्स के लिए है, अदरवाइज थोड़े टाइम बाद Amazon प्राइम वीडियो पे आ जाएगी। अगर देखनी और करनी है तो थिएटर का पैसा बचा सकते हो, बाकी अगर नहीं भी देखोगे तो भी कुछ ऐसा मिस आउट नहीं करोगे कि हाँ भाई ये तो यूनिवर्स की कहानी है तो जुड़ेगा कहीं से आके, कुछ सब्सटेंशियल नहीं है पिक्चर के अंदर। स्टिल मुझे ये पता है कि ये मूवी अच्छे कलेक्शन तो करेगी, बाकी रियल कॉम्पिटिशन है इसके और भूल भुलैया 3 के कलेक्शन में। तुम्हें क्या लगता है किसका कलेक्शन ज्यादा होगा वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और भूल भुलैया 3 की टिकट ऑलरेडी बुक कर चुकी हूँ, देख के आती हूँ फिर मैं आपको अपने थॉट्स बताती हूँ उस मूवी पे। बाकी अगर हमारे थॉट्स कहीं पे भी मैच करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.